औरतें कर भी क्या सकते हैं? तू स्कूल नहीं जा सकती तो क्या, ज्ञान तो कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है। अर्जुन शहर चला जाता है। 3-4 महीने तक उसकी कोई खबर नहीं आती। किसान और उसकी पत्नी बहुत चिंतित हो जाते हैं और एक दिन वे अपने रोजमर्रा कामों में व्यस्त रहते हैं। तभी डाकिया, अरे ओ भैया, मिठाई खिलाओ मिठाई। ये लो तुम्हारे बेटे का खत। अरे ढाकिया भाई, हमें तो पढ़ना नहीं आता, तुम ही पढ़ाओ। क्या लिखा खत में? माफ करना भैया, आज थोड़ी जल्दी में हूँ। शाम तक ये सरकारी डाक ऑफिस तक पहुँचाना है, नहीं तो नौकरी चले जाएगी। पर हाँ, शाम को लौटते वक्त जरूर पढ़ूंगा। हरियाणा उसकी पत्नी से वह नहीं जाता। वे खत लेकर बाहर निकल जाते हैं, ये सोचकर कि शायद कोई उनके लिए उनके बेटे का खत पढ़ दे। तभी अरे रामू भाई, तुम क्या पढ़ सकते हो मेरे अर्जुन का खत? कोशिश करूंगा। अच्छा पढ़ता था स्कूल में। और राजू इधर आ। अरे राजू, मेरे बेटे का खत पढ़ेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं कहा। अभी पढ़ता हूँ मैं। क्या हो गया था? मैंने तो अपने बेटे को स्कूल भेजा और उसका एक्सीडेंट हो गया। अरे इतनी भीड़ क्यों है? और हरिया भाई, अब क्यों रो रहे हो? अरे इस खत में लिखा है कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। क्या? जरा दिखाओ तो। इसमें एक्सीडेंट नहीं लिखा है, एडमिशन लिखा है। किस अकलमंद ने तुम्हारे खत पढ़ा? अरे इसमें लिखा है कि मेरा एडमिशन हो गया है अच्छे स्कूल में। एडमिशन? एडमिशन इसीलिए कहते हैं कि आज के समय में पढ़ना बहुत जरूरी है। ये कोई उम्र है हमारी पढ़ने की? भैया हम स्कूल जाएंगे तो हमारा काम कौन करेगा? इसीलिए तुम्हारे जैसे लोग को ध्यान में रखकर सरकार ने नाइट स्कूल शुरू किया है। सच में पिताजी, फिर तो मैं मेरा सब काम कर स्कूल भी जा सकती हूँ ना, और माँ भी पढ़ सकती है। बात तो सही है, चलो स्कूल चलेंगे।